फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड्स एंड फिटनेस। आज हम बनाएंगे गुजरात की फेमस और बहुत ही चटाकेदार सब्जी जिसका नाम है उंधिया। हाँ, इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है पर बहुत ही अच्छी बनती है। तो कैसे बनेगी इसे जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। नई नई रेसिपी और होम रेमेडी को देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए और सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को क्लिक करना ना भूले। उंधिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं छोटे वाले ऐसे मीडियम साइज के आलू, 100 ग्राम रतालू वो इस तरह का आता है, एक मीडियम साइज का कच्चा केला, एक शकरकंद, छोटे ऐसे बैंगन 4 से 5, 100 ग्राम सुरन। इन सारी सब्जियों को हम कट करके पानी डाल देंगे उसमें और इसे हम फ्राई करने वाले हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम धनिया, एक हरी मिर्च और एक ही अदरक का टुकड़ा, इनका हम पेस्ट बना लेंगे। 5 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, आप अगर बड़े टमाटर ले रहे हो तो 4 ही लीजिए और इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे उंधिया में डालने के लिए मुठिया बनाया है। उंधिया में डालने के लिए मुठिया कैसे बनता है ये मैंने वीडियो के एंड में दिखाया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। फिर लिए है टिंडोरे, इसके भी ये इस तरह के आते हैं और इसके ऊपर का और नीचे का पार्ट निकाल के मैंने इसे कट कर लिया है। फिर गवार लिया है, इसको भी मैंने ऊपर और नीचे से कट करके बीच में से टुकड़े कर लिए है। फिर ली है मैंने ऐसी पापड़ी, वालोर पापड़ी और सुरती पापड़ी, इसको भी मैंने इस तरह से अच्छे से काट लिया है। फिर सहजन की फली, जो लंबी सींग आती है, उसके भी मैंने ऐसे टुकड़े कर लिए है। फिर लिया है मैंने वाल, अभी सीजन है तो आपको हरे ही वाल मिलेंगे, उसमें इस तरह के बीज निकलते हैं तो वो भी मैंने निकाल लिए हैं। फिर तुवे के दाने लिए हैं, जो आती है इस तरह की, इसके भी मैंने बीज निकाल लिए हैं। और लिए है चोला, उसके भी मैंने बीज निकाल दिए हैं। मसाले में हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, चीनी, हींग, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, सीसम सीड यानी कि तिल, अजवाइन, हल्दी और आधा कप तेल। यहाँ पे मैंने सारी सब्जी को कट कर लिया है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म कर लिया है, अब हम इसके अंदर सारी सब्जियां ऐड करेंगे। हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करने वाले हैं। सब्जी हमारी दोनों तरफ से अच्छी फ्राई हो गई है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और हम उंधिया की ग्रेवी बनाएंगे। अब सबसे पहले हम उंधिया की ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप ऑयल लिया है, अंदर लाल मिर्च ऐड करते हैं, थोड़े से तेज पत्ते 2, दालचीनी, बादिया, अजवाइन, तिल और हींग। इतना ऐड करके हम मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। हम यहाँ पे जो खड़े मसाले वो थोड़े कम ऐड करेंगे क्योंकि हम बाद में गरम मसाला भी ऐड करने वाले हैं। तो ये मसाला हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कुक हो गया है, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमने हरी मिर्च की पेस्ट बनाई है वो। यहाँ पे अगर आप लहसुन ऐड करना चाहते हो तो जब आप ये पेस्ट बना रहे हो तब इसके अंदर ऐड कर दीजिए। मिर्च की पेस्ट हमारी थोड़ी भुन गई है, अब हम इसके अंदर जो टमाटर की प्यूरी बनाई है वो ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, बाकी का हम बाद में ऐड करेंगे, नमक, हल्दी और इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे। हम इसे 1-8 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। ग्रेवी हमारी यहाँ पे अच्छे से भून गई है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी, फिर ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, हमने हरी मिर्च भी ऐड की है तो लाल मिर्च यहाँ पे अब थोड़ी सी ऐड करेंगे, और गरम मसाला।
फिर से इसे चला लेंगे अच्छे से। और अब हम इस ग्रेवी को थोड़ा सा ही नीचे रखेंगे, बाकी का ग्रेवी हम निकाल लेंगे। ये यहाँ पे ग्रेवी मैंने क्यों निकाली है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। थोड़ी ग्रेवी मैंने यहाँ पे रख दी है, बाकी की ग्रेवी निकाल ली है। सबसे पहले मैंने चोला को ऐड कर दिया, उसके बाद ऐड करेंगे तुअर के दाने, उसके बाद ऐड करेंगे मटर के दाने, फिर ऐड करते हैं वाल, टिंडोरा, गुआर, पापड़ी और फिर इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। आप यहाँ पे अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी सब्जी कम या ज्यादा कर सकते हो। इसको हम 2 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पे पकाएंगे। जब तक हमारा ये कुक होता है तब तक मैं आपको एक और प्रोसेस बता देती हूँ। हमने जो ये सब्जियाँ फ्राई की थी उसके अंदर हम टूथपिक की मदद से हॉल कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे सारी सब्जियों में कर दिए हैं। उससे क्या होगा, हमारा मसाला सब्जियों के अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हमारी ये वाली सब्जी भी थोड़ी अच्छी भून गई है। अब हम इसके ऊपर जो बाकी की सब्जियां हैं वो ऐड कर देते हैं। तो हम सबसे पहले ऐड कर देते हैं सब्जियों में आलू, फिर केला, फिर ऐड करेंगे सुरण, फिर हम रतालू और शकरकंद दोनों को ऐड कर देंगे। बैंगन हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। इतनी सब्जियां ऊपर ऐड करने के बाद यहाँ पे अब हमने जो ये सहजन की फली ली थी उसे भी रख देंगे। उसके बाद हम रखेंगे बैंगन, फिर हम यहाँ पे रख देंगे हमने जो ये मुठिया बनाया है उसे, और अब हमने जो ये ग्रेवी निकाल के रख दी थी पहले उसे हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, ताकि ये जो हमने ग्रेवी ये जो ग्रेवी है वो अच्छे से बाकी की सब्जियों में भी सेट हो जाए। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/3 कप पानी, और ऐसे कुकर को पकड़ के हमें थोड़ा सा ही चला लेना है, ज्यादा नहीं चलाना है और चम्मच से तो बिल्कुल नहीं चलाना है। फिर हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक कुक 2 विसल आने तक कुक कर लेंगे। 2 विसल आ गई है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका प्रेशर खत्म होने तक वेट करेंगे। बीच में इसे नहीं खोलना है, और अगर आपके कुकर में बहुत जल्दी सीटियां आ जाती है तो आप 3 सीटी भी कर सकते हैं। खत्म हो गया है, अब हम ढक्कन खोल देंगे और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा नहीं खाना है तो इसे स्किप कर सकते हो। और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम तेल, इससे आपके उंधिये का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। हमारा उंधियो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। चटाकेदार स्पेशल टेस्टी फेस्टिवल स्पेशल उंधियो बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे जरूर बनाइए और आपके एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुठिया बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, 1/2 कप बारीक कटी हुई मेथी, 1 टेबलस्पून या फिर थोड़ा सा हरा धनिया, चीनी, नींबू का रस, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला, हींग, थोड़ा सा सोडा और तेल। तो पहले हम मुठिया के लिए दो लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है बेसन। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेथी,
हरा धनिया, गरम मसाला, हींग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, एक टेबलस्पून जितनी चीनी, थोड़ा सा ऑयल, चुटकी सोडा और नींबू का रस, और इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और हम इसका दो लगाएंगे। जरूरत पड़े तो ही हम पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे और हम इसका दो लगाएंगे। मुठिया के लिए मैंने दो लगा लिया है और इतना दो लगाने में मुझे सिर्फ दो टेबलस्पून ही पानी लगा है। अब हम हाथों के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे शेप में मुठिया बनाएंगे। आप चाहो तो दूसरे शेप में भी बना सकते हो, कोई लोग ऐसा शेप भी बनाते हैं, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी शेप बना सकते हो। अब हम एक एक करके सारे मुठिये को इसी तरह से बना लेंगे। मुठिया के लिए मैंने एक एक करके सारे गोले बना लिए हैं और जब मैं गोले बना रही थी तब मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम मुठिये को फ्राई करेंगे। सारे मुठियों को ऊपर और नीचे दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। मुठिये हमारे दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।